हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशु टॉक्स। आज की इस वीडियो में बहुत ही बड़ी हायरिंग के बारे में बताने वाला हूँ जो कि इंफोसिस की तरफ से आ रही है। इंफोसिस की तरफ से मास हायरिंग स्टार्ट हो गई है दोस्तों। अगर आप बीसीए बीएससी या तो डिप्लोमा कैंडिडेट्स हो तो इस अपॉर्चुनिटी में आप अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए अगर आप एलिजिबल हो तो। अगर आप 2020, 2021 एंड 2022 पास आउट बैच से हो तो डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी में आपको अप्लाई करना ही चाहिए। तो ये अपॉर्चुनिटी बीसीए एंड बीएससी के लिए आ जाती है एंड डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए भी आ जाती है। दोनों के लिए अलग अलग लिंक है दोस्तों, तो मैं वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड क्या आपकी सैलरी होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक के जरूर देखें एंड अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। जैसे कि आप देख सकते हो इन्फोसिस ऑफिशियल हायरिंग की मैंने वीडियो डाली थी दोस्तों रिसेंटली 3 दिन पहले। यहाँ पर दोस्तों बी बी टेक एमईएम टेक एंड एमसीए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं तो ये वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप बीसीए बीएससी एंड डिप्लोमा कैंडिडेट्स के हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। तो यहाँ पे जॉब रोल की बात कर ली जाए तो ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव की यहाँ पे आपको जॉब रोल देखने मिल जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ली जाए तो अगर आप बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी बीसीए या तो बीएससी ग्रेजुएट्स हो फ्रॉम ऑल ब्रांचेस तो बीएससी के सभी ब्रांचेस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बीसीए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, डिप्लोमा स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच से बिलोंग करते हो डिप्लोमा में तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ 2020, 2021 एंड 2022 ग्रेजुएट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एंड आपके कोई भी करंट बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए। सैलरी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको 2.2 एलपीए का आपको पैकेज देखने मिल जाता है जो कि अच्छा खासा पैकेज है डिप्लोमा बीसीए एंड बीएससी के हिसाब से। और यहाँ पे किस तरह से आपको अप्लाई करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक सर्वे मेल देखने मिल जाता है तो ये जो सर्वे मेल है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो ये जो सर्वे मेल है पहला जो सर्वे मेल है ये डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर आप लिंक में देख सकते हो DIPERF यहाँ पे लिखा गया है। तो ये जो पहला सर्वे मेल प्रोवाइड किया गया है ये डिप्लोमा के लिए है और जो सेकंड सर्वे मेल प्रोवाइड किया गया है वो बीसीए एंड बीएससी कैंडिडेट्स के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, आप जो कैंडिडेट्स हो जो जो आपका ग्रेजुएशन जिस फील्ड से हुआ है दोस्तों उसी फील्ड में आपको अप्लाई करना है। अगर आप डिप्लोमा से हो तो आपको ये भरना है और आप अगर बीसीए या बीएससी से हो तो आपको ये फॉर्म भरना है। ऑलमोस्ट सेम है दोस्तों, मैं लिंक मेंशन कर दूंगा कि कौन सा डिप्लोमा के लिए एंड कौन सा बीसीए एंड बीएससी के लिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस फॉर्म पे आपको आई एग्री पे क्लिक करके एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म अपियर होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो इन्फोसिस का यहाँ पे आपको सर्वे फॉर्म देखने मिल जाता है, इन्फोसिस लिमिटेड रिक्रूटमेंट। यहाँ पे आपको 92 क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको देखने मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं, क्वेश्चंस आपको सभी फिलअप कर देने हैं एंड इस जॉब रोल अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर देना है। यहाँ पर आपको बेसिक पर्सनल डिटेल्स मांगी गई है, आपको अपनी फोटो एंड रिज्यूमे अपलोड करना होगा, कॉन्टेक्ट अपलोड करना होगा, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस तरह से आपको सभी चीजें अपलोड करना होगा एंड यहाँ पे आपकी डिटेल्स एड करके इस जॉब रोल अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर देना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नियर अबाउट 92 क्वेश्चंस पूछे गए एंड 25 मिनट्स आपको प्रोवाइड किया गया है। तो इतने टाइम में आपको पूरे क्वेश्चंस पूछे के आंसर करने होंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे सिर्फ बेसिक पर्सनल क्वेश्चंस है दोस्तों, कोई भी ऐसे मेजर क्वेश्चंस नहीं है। तो ये आपको फिलअप करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आप जॉब रोल अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल दी एंड।